बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ड्यू टू कोविड अगेन हम लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की तरफ स्विच करना पड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। दो हमारे इससे पहले भी लेक्चर्स हो चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग पहले फिजिकल क्लासेस में कोर्स आउटलाइन हम लोग नहीं डिस्कस कर सके थे, तो आप लोगों की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के लिए जो कोर्स आउटलाइन है उसको तीन मॉड्यूल्स में डिज़ाइन किया है। पहला मॉड्यूल है आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में हम मैनेजमेंट और लीडरशिप के जितने भी बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। वी विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होती है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट से हमारा क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैनेजर कौन होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर को हम एक्सप्लोर करेंगे, जैसे टॉप मैनेजमेंट है, मिडल मैनेजमेंट है और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। तो ये सारी कैटेगरीज को हम एक्सप्लोर करेंगे। इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इनके रोल्स क्या हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट रोल्स ऑफ मैनेजर्स। लाइक जैसे अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स रोल्स ऑफ मैनेजर्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। तो हम इन सब को एक्सप्लोर करेंगे कि इंटरपर्सनल रोल्स कौन कौन से होते हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स में कौन कौन से रोल्स आ जाते हैं, डिसीजनल रोल्स में से कौन कौन से रोल्स आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम स्किल्स को डिस्कस करेंगे कि मैनेजर्स के पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं, इनकी नीड के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जैसे वैसे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्चर्स, लेकिन थ्री जो मेन स्किल्स हैं, ठीक, लाइक कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, हम इनके ऊपर बात करेंगे। और फिर हम एक कंपैरिजन भी देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स हमने देखे हैं उनका कंपैरिजन करेंगे स्किल्स के साथ, कि टेक्निकल स्किल्स कौन से टाइप के मैनेजर्स के पास ज़्यादा होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स कौन से टाइप के मैनेजर्स के पास ज़्यादा होती हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कौन से मैनेजर के पास, टाइप ऑफ मैनेजर्स के पास ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग PLC फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। रिगार्डलेस ऑफ एनी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है ना, आपकी जो मैनेजमेंट के फोर मेन फंक्शंस हैं, ठीक है, वो क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है एंड कंट्रोलिंग है। ठीक, तो हम मैनेजमेंट के इन फोर फंक्शंस को हम इस फ्रेमवर्क में एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम लोग लीडरशिप पे बात करेंगे, लीडरशिप क्या है, लीडर कौन होता है, लीडर के एट्रीब्यूट्स के ऊपर बात करेंगे। थ्री पीस ऑफ लीडर को हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसी अम्ब्रेला के अंडर मैनेजमेंट और लीडरशिप के कंपैरिजन को, कि मैनेजर में और लीडरशिप में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, लीडर में फ़र्क क्या होता है, सॉरी। तो ये कंपैरिजन हम लोग देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के मॉड्यूल के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो दूसरा मॉड्यूल है दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट। जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर क्रिएशन एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो एज इट इज़ अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे दूसरे मॉड्यूल में। और हम लोग इस पार्ट में
हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका एक प्रोजेक्ट है, तो हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट क्या होता है इसको सबसे पहले देखेंगे, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, ये सारी चीज़ें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अम्ब्रेला के अंडर डिस्कस करेंगे। देन हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस टॉपिक को हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे डिस्कस करेंगे, बहुत डीप डाइव नहीं करेंगे। दो ऐसा नहीं है कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इसेंशियल और हेल्दी एरिया, लेकिन आप लोग इंशाल्लाह 7th और 8th सेमेस्टर में आप लोगों का कोर सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो उसमें आप लोग इन डिटेल आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हम क्योंकि आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, तो हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका देख लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्राइंगल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम लोग देखेंगे, कौन कौन से उनका आपस में रिलेशनशिप, डिपेंडेंसीज, क्रिटिकल एनालिसिस इंशाल्लाह हम करेंगे मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्राइंगल का। ये हो गया हमारा सेकेंड मॉड्यूल, और थर्ड मॉड्यूल में हम लोग, थर्ड मॉड्यूल है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू ये हमारा थोड़ा लेंथी मॉड्यूल है, और इसमें अब हम एक्चुअली में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है क्या उस पर आएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को फर्दर अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, वहाँ पे इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को 7 मॉड्यूल्स में, सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है वो हमारा है इनिशिएशन एंड स्कोप डेफिनेशन। ये जब भी हमारे पास कोई नया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आता है तो स्टार्ट से, इनिशिएशन से लेके एंड तक ये सब हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की अम्ब्रेला के अंडर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हम लोग पहला जो हमारा एलिमेंट है वो इनिशिएशन एंड स्कोप डेफिनेशन है। इसमें हमारा मेन फोकस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है। हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन से रिलेटेड हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस हम लोग इस एलिमेंट के अंडर जो है वो डिस्कस करेंगे। हम रिव्यू एंड रिविजन के प्रोसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ इनिशिएशन एंड स्कोप डेफिनेशन के अंडर आती हैं वो इंशाल्लाह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सेकेंड जो एलिमेंट है वो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग का है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में सबसे पहले हम लोग मॉडल्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ होती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, आप लोग मॉडल डिस्कस कर रहे होते हो, प्लान कर रहे होते हो कि मॉडल कौन सा होगा। तो हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स को हम लोग देख लेंगे। हम लोग डिलीवरेबल्स पे डिस्कशन करेंगे कि डिलीवरेबल्स क्यों डिटरमाइन करने होते हैं इस फेज में, और वो सारी चीज़ें, एफर्ट्स, स्केड्यूल और कॉस्ट एस्टिमेशन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस एलिमेंट के अंडर। रिसोर्स एलोकेशन की बात करेंगे, रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस को देखेंगे, रिसोर्स एलोकेशन क्यों ज़रूरी है, प्रोज कौन, वो सब हम देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट वेरी वाइटल एलिमेंट, ये भी हम इसी अम्ब्रेला के अंडर डिस्कस करेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक, क्वालिटी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम इन डिटेल क्वालिटी मैनेजमेंट को देखेंगे। प्लान मैनेजमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंडर इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो एलिमेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का वो होगा हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इनेक्टमेंट। अब इस फेज में क्या होता है कि इस फेज को हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, क्योंकि जो भी हमारे प्लान्स होते हैं ना उस पे काम, अब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज भी कहते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे, सॉफ्टवेयर एक्विजिशन और सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को एक्सप्लोर करेंगे, मेजरमेंट प्रोसेसेस को हम लोग देखेंगे, मॉनिटरिंग प्रोसेस जो
बहुत इम्पॉर्टेंट अगेन एक फेज़ है, उसको हम मॉनिटरिंग प्रोसेस कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है, वो सब देखेंगे। कंट्रोल प्रोसेस को इन डिटेल, ये भी अगेन क्वालिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग करेंगे मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंस है इनकी, वो हम इंशाल्लाह जब डिस्कस करेंगे फिर हम लोग देखेंगे। रिपोर्टिंग को हम लोग इसी फेज़ के अंडर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग रिव्यू एंड एवेल्युएशन का हमारे पास फेज़ आ जाता है, इसको हम देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है और हम लोग अपने जो गोल्स होते हैं उसको अचीव कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है हम लोगों ने देखना होता है कि हम लोग एवेल्युएट करेंगे कि जो कस्टमर की, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स थी, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको एवेल्युएट करेंगे कि वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा जैसे रिक्वायर्ड था। ठीक, फर्दर हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस जो हैं उनकी इफेक्टनेस को चेक करेंगे कि वो कितने इफेक्टिव हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको चेक करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, टूल्स और मेथड्स की इफेक्टनेस को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस फेज़ में हम लोग देखेंगे। फिर हमारा मेन फोकस इस फेज़ में सेटिस्फेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा कि जो रिक्वायरमेंट्स थी फिजिकल, सॉरी फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, वो सारी अचीव हो रही है या नहीं हो रही, जिस तरह से प्लानिंग की गई थी वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेसिकली यहाँ पे वो सारे काम हम परफॉर्मेंस एवेल्युएशन को इसमें एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो हमारा आ जाता है क्लोजर का फेज़। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। यहाँ पे बेसिकली जितने भी प्लान्स थे, प्रोसेसेस थे, वो टूवर्ड्स वो कम्प्लीशन, ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुके होते हैं ना, तो कम्प्लीशन का फेज़ एक किस्म का ये चल रहा होता है। तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, जो जो टास्क कम्प्लीट होने चाहिए थे वो हो रहे हैं, ये सब प्रोजेक्ट क्लोजिंग आप कह लो, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेजरमेंट। अच्छा, जो मेजरमेंट है वो मैनेजमेंट का या इंजीनियरिंग का कोई भी डिसिप्लिन है, ठीक है, उसमें मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बल्कि आप कहें कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसने एक कॉर्नरस्टोन वाली पोजीशन अपनी अचीव कर ली है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैच्योरिटी जो है वो यहीं से पता चल रही होती है। ठीक है, तो मेजरमेंट में जो है हम लोग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजरमेंट कमिटमेंट देखेंगे, प्लानिंग हम देखेंगे, मेजरमेंट प्रोसेसेस की एवेल्युएशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो इन डिटेल हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेजरमेंट को इस फेज में डिस्कस। देन नेक्स्ट फेज में हम लोग लास्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टूल्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि मैनेजमेंट टूल्स हैं क्या, इनका यूज़ क्या है, इनकी हम नीड के इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि इनकी क्यों ज़रूरत होती है, क्यों ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनको अब दी जा रही है। ठीक, फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स देखेंगे, लाइक प्लानिंग एंड ट्रैकिंग टूल्स होते हैं हमारे पास, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, और भी काफ़ी, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज आवर कोर्स आउटलाइन। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस में क्या क्या कवर कर लिया था। रेगुलर क्लासेस में हम लोग अपने फर्स्ट मॉड्यूल पे थे, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की अम्ब्रेला के अंडर हम लोगों ने मैनेजमेंट कवर कर लिया था। मैनेजमेंट क्या है, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देख लिए थे। उसके अलावा मैनेजर्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी, मैनेजर्स कौन होते हैं, उनके बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स, वो सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। टाइप्स ऑफ मैनेजर्स हमने देख लिया कि टॉप मैनेजर्स होते हैं, मिडिल मैनेजर्स होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, सब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। देन हम लोगों ने रोल्स ऑफ मैनेजर्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। हम लोगों ने देखा कि अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स
हमारे पास 10 जेनेरिक रोल्स आते हैं जिनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल ग्रुप। इन तीनों ग्रुप के अंडर जो रोल्स आते हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो ये तो हमारा पिछला काम हो गया। अब आज के लेक्चर को देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह आज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के मॉड्यूल को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो टॉपिक्स रह गए थे उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले मैनेजेरियल स्किल्स के ऊपर बात करेंगे कि मैनेजेरियल स्किल्स क्या होती हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है, इम्पोर्टेंस के ऊपर हम बात करेंगे और मैनेजेरियल स्किल्स की टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से जेनेरिक मैनेजेरियल स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं। ठीक, हम लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे, लीडरशिप को डिस्कस करेंगे, लीडरशिप क्या है, लीडर कौन होता है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वो थ्री पीस क्या हैं एक लीडर के जो उसको सक्सेस की तरफ, उसकी टीम को सक्सेस की तरफ लेके जा रहे होते हैं, जो बहुत एसेंशियल होते हैं किसी भी लीडर की गोल अचीवमेंट के सक्सेस के लिए। थी उसके बाद हम लास्ट में मैनेजमेंट और लीडरशिप का कंपैरिजन करेंगे कि मैनेजर और लीडर्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक हो गया, तो लेट्स हैव मैनेजरियल स्किल्स। सो मैनेजरियल स्किल्स क्या है? मैनेजरियल स्किल्स आर नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू फुलफिल सम स्पेसिफिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर टास्क। यानी मैनेजरियल स्किल्स जो है, जो भी इंडिविजुअल मैनेजरियल पोस्ट पे होता है, जो भी आपका मैनेजर होता है, उसका नॉलेज या एबिलिटी उन मैनेजरियल टास्क को परफॉर्म करने की, उन्हें हम मैनेजरियल स्किल्स कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं, मैनेजरियल स्किल्स क्या है? हमारे पास नॉलेज या एबिलिटी है मैनेजर्स की किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की। ठीक हो गया, तो अब ये जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, ये नॉलेज, ये एबिलिटीज जो हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप गॉड गिफ्टेड हो। ये सीखी भी जाती हैं और इनको फिर प्रैक्टिकली आप लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक हो गया, जितनी भी मैनेजरियल स्किल्स हैं ये आप लोग सीखते भी हैं और फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और एक मैनेजर की ड्यूटी होती है कि उसका, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वो डेली रूटीन का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी गोल्स हैं, वो हाई एफिशिएंसी के साथ काम करें, ये भी मैनेजर की ड्यूटीज़ में आता है। लाइक एक आपका कुछ एम्प्लॉयज़ हैं आपके जो वही काम 10 घंटे में कर रहे हैं डबल रिसोर्सेज के साथ और कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है, वो बेहतर है या वो एम्प्लॉयज़ बेहतर हैं जो आपका एक घंटे में वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और कम रिसोर्सेज के साथ, कम कॉस्ट के साथ? ठीक है, तो ये भी मैनेजर की ड्यूटी उसमें आता है कि वो देखे कि उसके एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और जब ये मैनेजर की ड्यूटी है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस इज़ वेयर मैनेजरियल स्किल्स कम्स इन हैंडी। यहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैनेजरियल स्किल्स क्या करती हैं? ये मैनेजर्स को हेल्प करती हैं लोगों को और टेक्नोलॉजी को मैनेज करने में, मेक श्योर करने में कि जो मैन पावर है, जो टूल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर रही हैं, वो अपना बेस्ट दे रही हैं। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट केट्स, जो मैनेजरियल, वैसे तो बहुत सी मैनेजरियल स्किल्स हैं, ठीक है, कुछ रिसर्चर्स ने 6 मेन स्किल्स बताई हुई हैं, कुछ ने 4, कुछ ने 3, लेकिन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट केट्स, हम रॉबर्ट केट्स के साथ जाएंगे, उन्होंने 3 मेन मैनेजरियल स्किल्स बताई हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती हैं मैनेजमेंट प्रोसेस की सक्सेस में। ठीक है, कौन कौन सी है देख लेते हैं। पहले हमारे पास आ जाती हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, फिर ह्यूमन स्किल्स और थर्ड वन इज टेक्निकल स्किल। तो वन बाय वन सबको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स क्या हैं?
कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हमारे पास किसी भी मैनेजर की एबिलिटी है टू विजुलाइज द एंटरप्राइज एज अ होल, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, इंडस्ट्री को, एंटरप्राइज को आप एज अ होल विजुलाइज कर सकें। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है, आपको पता हो कि कैसे सब फंक्शंस आपस में या सिचुएशंस आपस में इन्वॉल्व हैं, कैसे एक पार्ट दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक में कुछ चेंज आएगा तो दूसरे में क्या डिस्टर्बेंस आएगी, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल विजुलाइज कर सको, प्लस माइनस विजुलाइज कर सको, थ्रेट्स को, अपॉर्चुनिटीज को देख सको, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे आई एम टीचिंग हेयर इन आईटी डिपार्टमेंट और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में पढ़ा रही हूँ, तो मतलब मेरा स्कोप यहीं तक है, ठीक है, मुझे यही पता है कि मैंने ये क्लास लेनी है और बच्चों को ऐसे पढ़ाने। जो हमारे वीसी हैं उनकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होंगी, वो पूरी यूनिवर्सिटी को विजुलाइज कर रहे हैं, वो पूरी यूनिवर्सिटी को एज अ होल ले रहे हैं, ठीक है, उनको उनको पता है कि अगर आईटी डिपार्टमेंट्स के लिए रूल चेंज किए तो बाकी डिपार्टमेंट्स पे उसका क्या इफेक्ट होगा। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनमें क्या क्या इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से टॉप मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं हमारे बीच, उनको उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि हमें तो लग रहा होगा कि हाँ जी ये वर्कशॉप्स करा रहे हैं या मे बी हमें उनकी इम्पोर्टेंस का इतना पता ना हो, ठीक है, लेकिन वीसी जो है वो ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ जी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाने के बजाय बच्चों को अच्छी वर्कशॉप्स कराएं, जब बच्चे यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकलेंगे दूसरे इदारों में जाएंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे और वहाँ से मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी हो रही है और वो बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म है, लोगों को होगा कि हाँ जी ये जो स्टूडेंट है ना ये बड़ा ब्राइट है, इसकी इसकी जो है वो टेक्निकल स्किल्स, इसकी प्रोफेशनल स्किल्स, इसकी एचआर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो वो जो है वो फिर कहाँ से होगा कि हाँ जी ये कौन सी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो ये चीज़ें कौन ज़्यादा अच्छा विजुलाइज कर सकते हैं, हमारे वीसी ज़्यादा अच्छा विजुलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टॉप मैनेजमेंट है वो लोग ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। सो कॉन्सेप्चुअल स्किल में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, ठीक है, आप लोग जो है क्रिएटिविटी आती है, ब्रॉड नॉलेज आप लोग के पास होना चाहिए, आप लोग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कंसीव करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, मैनेजर्स के अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स को इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहा जाता है। ह्यूमन स्किल्स क्या होती हैं, ये मैनेजर का नॉलेज या एबिलिटी कि लोगों के साथ कैसे काम करना है, ठीक है, लोगों के साथ कैसे काम करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, ये अगर मैनेजर को अच्छे से पता है तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने स्टाफ को मैनेज कर सकेगा, अपने गोल्स को अचीव कर सकेगा। सो ह्यूमन स्किल इज़ द एबिलिटी एंड नॉलेज टू वर्क विद पीपल, ठीक हो गया। अब मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे क्रिटिकल टास्क है ना वो लोगों के साथ काम करना, सही, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में जैसे हम लोग सर्विस प्रोसेस पढ़ाते हैं,
तो हम लोग उसके जो चैलेंजेस उसमें फेस करने पड़ते हैं, उसमें सबसे एक क्रिटिकल चैलेंज क्या है कि इंटरेक्शन लोगों के साथ कितना है। अगर इंटरेक्शन ज़्यादा है तो चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, अगर इंटरेक्शन कम है तो कम चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट में सबसे क्रिटिकल काम क्या है, टास्क क्या है कि लोगों के साथ डील करना। अगर आपको आपके मैनेजर को लोगों के साथ अच्छे से डील करना आता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को उसके अंडर जो काम कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर सकेगा ज़्यादा अच्छे से टास्क की अकम्प्लिशमेंट में, ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट कर सकेगा मीन्स वो एज अ लीडर काम कर सकेगा। तो एज अ लीडर काम कर सकेगा तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। लोग अच्छे से काम करेंगे आपकी इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। कि हम लोगों ने 500 फॉर्चून इंडस्ट्रीज हैं जो कंपनीज हैं जो दुनिया में, उसमें आप बैकग्राउंड पे देख लें, हमने फिजिकल क्लासेस में हैरिस एंटरटेनमेंट की केस स्टडी देखी, वहाँ पे क्या है एचआर स्किल्स हैं जिनकी वजह से हम लोगों ने देखा कि उन्होंने वो सक्सेस ग्राफ अचीव किया जो अनबीटेबल जिसे कहा जाता है। ठीक है, ज़ेरॉक्स की जो एक्स सीईओ हैं उर्सुला बर्न्स, उनकी अगर आप स्टोरी देख लो वो उन्होंने इतनी सक्सेस कैसे अचीव की। ठीक है, वो उसके पीछे भी बिहाइंड द सीन क्या है, एचआर स्किल्स हैं कि उन्हें लोगों से डील करना अच्छे से पता है, उन्होंने उनके अंडर जो काम कर रहे हैं लोग उनसे अच्छे से काम एफिशिएंटली काम करवाना उन्हें आता है। सही हो गया। सो ह्यूमन स्किल्स तो हो गई कि लोगों के साथ कैसे डील करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टेक्निकल स्किल्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है टेक्निकल स्किल्स किसको इंडिकेट करती हैं, टेक्निकल स्किल्स आप मैनेजर की वो एबिलिटी के लोगों के साथ कैसे डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं, नॉलेज एंड स्किल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो एक्चुअली हम लोगों ने काम करना है उसको परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज जो स्किल्स जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निकल स्किल्स के अंदर आती हैं। जैसे अकाउंटेंट की अपनी स्किल्स होती हैं, इंजीनियर्स की अपनी, सर्जन की अपनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती हैं जो उसको ज़रूरत होती हैं अपना काम परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया। अब जो है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट केट्स, ये जो हमारे पास तीन स्किल्स हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स, ये इनकी रेशो वेरी करती है मैनेजर टाइप ऑफ मैनेजर्स में। जैसे टॉप मैनेजमेंट में हम लोगों ने बात की कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की रेशो किस में सबसे ज़्यादा है, टॉप मैनेजमेंट की कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ज़्यादा होती हैं, एचआर स्किल्स थोड़ी कम और टेक्निकल स्किल्स उनकी बिल्कुल नहीं होती हैं, थोड़ी या ना होने के बराबर। इसी तरह जो मिडल मैनेजमेंट है उसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कम होती हैं, एचआर स्किल ह्यूमन स्किल्स उसकी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और टेक्निकल स्किल्स भी उसकी एज़ कम्पेयर टू टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा होती हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट की कॉन्सेप्चुअल स्किल्स एज कम्पेयर टू मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट बहुत कम होती हैं, लेकिन उसकी एचआर स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स एचआर स्किल्स उसकी नियर टू मिडल मैनेजमेंट ही होती है, लेकिन उसकी टेक्निकल स्किल्स एज कम्पेयर टू मिडल मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सो ये हो गया हमारे पास मैनेजरियल स्किल्स। हम लोगों ने लीडरशिप को भी कवर करना था आज, लेकिन आई थिंक लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इंशाल्लाह लीडरशिप पे और लीडरशिप और मैनेजमेंट के कंपैरिजन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और अगर इस लेक्चर में कोई भी आप लोगों को क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं।